कोका इज यंग सुपरमार्केट इज यस इज एमेच्योर सुपरमार्केट। तो और देखिए वहां पे जाके अपना टाइम जाया करती हैं, लोगों से जाके खोके पे खड़े होके ये कहते हैं तू वे किंज रहे हैं ठीक है। लेकिन उन्होंने अपना वक्त नहीं, उन्होंने बंक मार के एक्टिंग की, काम किया भाई, काम किया। उस काम से उन्होंने कमाया, उस काम से उन्होंने सीखा, एक करियर बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। इधर क्या हो रहा है, तू गाल किंज कर रही है तू सलाम ठीक नहीं कीता, तेरा मसला की है मानी मैं खोके दे खलोता आई जरा वो काम कर रही थी। ये इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए जरूरी है कि अगर पहले तो बंक मारना नहीं है, अगर अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, गॉड फॉरबिड अगर बंक मारना पड़ जाता है तो कोई अच्छा काम करो कि बाद में आप उस चीज से सीखो, आपका करियर बने या व्हाटएवर। ठीक है, तो तालियां इनके लिए, वेरी गुड, थैंक यू। पहली दफा किसी बच्चे के लिए जिसने बंक मारा तालियां लग वरना तालियां होती हैं पर दूसरी वो वरना आंटी वाली तालियां होती है। हाँ, ठीक है, तो मुझे ये बताएं आपने माशाल्लाह मॉडलिंग तो की फिर एक्टिंग भी की, टिल डेट सबसे फनी एक्सपीरियंस ऑन सेट क्या रहा है आपका? वो नहीं बताऊंगी। अरे बता दे, अब ये हमारे फ्रेंड्स हैं, वी आर फ्रेंड्स, इसलिए तो बता नहीं रही कोई बताने वाला बता दे, बताने वाला तो है ही नहीं, है ही नहीं ना, या बस वही है जो बता नहीं सकती। नहीं, लेडीज होती खाली तो बता देती ना, बीच में मर्द हजरात भी हैं। लेडीज लोग, बॉयज आप दो मिनट जरा ना, आप लोग अपने कान बंद करें, खोके से हो रहा हो अच्छा वेरी गुड। सारे होते हैं, मैं आई एम सॉरी मुझे मेरी हंसी नहीं रुकती अगर तो बता दे। मैं बोल रही हूँ ना सीन्स में, मैं खास तौर पे आपको बता रही हूँ कि अगर कोई किसी जगह मेरी सुई अटक गई तो बस गए ये देखो पंजाबी हो मुझे प्लीज, मैं जज नहीं कर रही पंजाबी, वैसे आई लाइक पंजाबी, मैं मेरे में चुप। हम थोड़े से हाइपर होते हैं ज्यादा हमारे एनर्जी लेवल थोड़े ज्यादा होते हैं थोड़े से। अच्छा, एनर्जी लेवल ज्यादा होता है और प्रोफेशनलिज्म उतना ही कम होता है ना? नहीं 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 ऐसा मैं चाहूंगा, मुझे बहुत से सवाल इनसे पूछने हैं लेकिन मैं चाहता हूँ हम ऑडियंस सेगमेंट की तरफ जाएं और सवालों का सिलसिला करें। आप अगर नौशीन शाह जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछे। हेलो जी, आवाज आ रही है, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आई एम सर नुमान इकबाल, आई एम रनिंग माय टीचर्स हायरिंग रिक्रूटमेंट कंपनी, आई हैव अ क्वेश्चन विद नौशीन शाह। सर मैनू साथ ले दियो, तुहाडे नाल गलते कर चुके हो, तुसी ते पूरा ऐसे ही देता है। आपने जैसे पानी जैसा प्यार और जिद ड्रामा किया ये ऐसा नीली हान के साथ, तो हम इस तरह के कंटेंट किस तरह जो आजकल नहीं आ रहे उस लेवल के जो बहुत इतने ब्लॉकबस्टर जाते थे जैसे पानी प्यार जैसा प्यार और ओवरऑल आपके आप बहुत ज्यादा ड्रामे देखना बंद कर दें, ये बनाना बंद कर देंगे, आप ही लोग तो रेटिंग देते हैं मत दें। आप एक हीरो, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगी बट मैं दे दूं, आप खुल के बात करें, खुल के बात करें। हम आइडियलाइज करने लगे हैं उन लोगों को जो गुंडे हैं, जो पैसे की पावर को अब्यूज करते हैं। एक लड़का है, एक वीगो से उतरता है, किसी मर्सिडीज से उतरता है, किसी रेंज रोवर से उतरता है, चार गार्ड्स के साथ, राइट। एक गरीब लड़की है, वो उसको पसंद आ गई, वो भी एक घर भी घुस गया उसके, थप्पड़ भी मार दिए, माँ बाप के सामने उठा भी लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली, उसको उससे मोहब्बत हो जाती है, वो लड़की को भी उससे हो जाती है। ऐसे ड्रामे बन रहे हैं ना आजकल। देखें, आप लोगों ने डिसाइड करना है कि क्या चीज़ आप लोगों को देखनी है और क्या चीज़ नहीं देखनी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा तो सब क्वेश्चन है तो पूछो भाई। तो ये मेरा सवाल है कि आपने ड्रामा किया और फिल्म भी की, कि आपको बेहतर कौन सा लगा? मैं सबसे ज्यादा पता क्या चीज एंजॉय करता हूँ, वो चीज, वो जगह जहाँ मेरे पैर होते हैं, व्हिच मींस इन द मोमेंट। बाकी देखिए हर किसी को डिफरेंट चीज से खुशी मिलती है, एक्साइटमेंट मिलती है। मुझे अच्छा ये लगता है कि मैं डिफरेंट चीजें ट्राई करता रहूं। जब मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की तो मैंने आके एक मूवी की, मूवी की फिर मैंने एक ड्रामा किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ड्रामा रक्से बिस्मिल किया, वो बड़ा हिट हुआ, मुझे उसके लिए अवार्ड भी मिला, मेरा करियर भी बनने लगा था। वो मुझे मोनोटनी नहीं पसंद, वो फिर मैं एक मास्टर्स करने चला गया। अच्छा। मास्टर्स करके मैं आया तो बीच में जब भी क्रिकेट मैच आता मैं क्रिकेट पे चला जाता हूँ। अब मैंने होस्टिंग शुरू कर दिया, तो आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग इन लाइफ
एंड आई एम अगेंस्ट द नोशन जहां हम लोगों को लेबल कर देते हैं, हम लोगों को बॉक्स में बंद कर देते हैं, तू बस डॉक्टर है या तू बस फार्मासिस्ट है या तू बस कंप्यूटर साइंटिस्ट है. आप कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हो सकते हो, आप मार्केटियर भी हो सकते हो, आप स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो सकते हो. जो दिल चाहता करो एज लॉन्ग एज यू आर फीलिंग एक्साइटेड. ये अपना फन. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. शाहज़ेब आरिफ. शाहज़ेब अभी अभी करंटली क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं. हाँ जी. क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर साइंस. और इसके साथ और क्या करना चाहते हैं लाइफ में? मॉडलिंग. मॉडल. क्यों मॉडल क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. आपको अच्छा लगता है मॉडलिंग करना? एक दो पोज मार के दिखाएंगे. बटन बंद कर रहे. आप स्टेज पर आ जाए शाहज़ेब. आज आपके हम देखे, हमने एक दूसरे को लाइफ में सपोर्ट करना है और हम उम्मीद करते हैं कि आज इस शो की बदौलत हमारे भाई शाहज़ेब का मॉडलिंग करियर की शुरुआत हो जाए और अल्लाह ताला इसको बहुत तरक्की दे. रैंप वॉक करते आओ, स्टाइल से आओ, सामने मुड़ जाओ. ओ, 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 ओ. ला 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 हे हे हे, हे. फार्मेसी के बच्चे हैं इधर, देख लेना. पूछो सवाल मैम से. मैम आपसे एक सवाल. पर नहीं, प्रपोज नहीं करना, सवाल पूछना. इधर आ जाओ, मैम का फ्रेम काट रहे हो. मैम एक सेकंड, नजर आ रही है मैम? नहीं मेरी जान. पूछो मैम आपसे एक सवाल है. जी जी. कहते हैं, क्योंकि आई एम करंटली लाइक डूइंग मॉडलिंग, तो कहते हैं कि मॉडलिंग में कॉम्प्रोमाइजेस काफ़ी होते हैं. तो कॉम्प्रोमाइजेस के मतलब कोई है ऐसा तरीका जिसमें कॉम्प्रोमाइजेस के अलावा आप सक्सेस पा सको, मतलब कामयाबी हो सके? अपने आप को हैरेस नहीं होने देना किसी भी तरह से, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो इमोशनली हो. जितनी दफ़ा आपको ज़िंदगी में रिजेक्शन होगी ना, आप उतना ही स्ट्रांगली उठ के खड़े होंगे. ये मैं नहीं कहती, ये मेरा रब कहता है. आप गिरे कोई बात नहीं, जो गिरता है वही उठ के खड़ा होता है. यू नो व्हाट आई मीन? बाकी तुम्हारे में कॉन्फिडेंस है, तुमने कभी जो मैंने बात की, दुनिया को अपनी वैल्यू नहीं डिफाइन करने देनी. यू डिफाइन योर ओन वैल्यू. इफ यू आर मेंट टू बी सक्सेसफुल, यू विल बी सक्सेसफुल. अब ऐसी रैंप वॉक करते जाओ कि तुम मजबूर हो जाए ना तालियां बजाने के लिए. नहीं तो आओ. कितना अल्लाह ताला तुम्हें बहुत तरक्की. सीएस कर रहे हो? यस. कोडिंग भी करते रहना साथ. कोई टेक्नोलॉजी और मॉडलिंग का कोई गेम तुमने निकाल दिया? साइबर सिक्योरिटी कर. तुम्हारे तो अकाउंट ही नहीं हैक होंगे. ही इज अ हैक. तुम हैकर हो? ये दिलों का हैकर है. ठीक है, वेरी गुड. अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुश रखे. और हमारी कोशिश होगी, अगर आप में से कोई इसको देख रहा है, दिस बॉय इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, तो ही इज अवेलेबल. और आप इसके मॉडलिंग इससे करवाना चाहे कोई भी ब्रांड तो करवाएं, बल्कि आप अपनी मार्केटिंग वाली कंपनी से करवाएं.